ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରହାର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିଆ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ବିଜେପି ଜିତେ ଔର ଉସକେ ବାଦ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉନ୍ହୋନେ ବଦଲା ତୋ ଇସ ପୁରେ ଦେଶ ମେ ଆଗ ଲଗନେ ଯା ରହି ହେ। ଶାହଜାଦେ ନେ ଆଲାନ କିଆ ହେ କି ଅଗର ଦେଶ ନେ तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी। 60 वर्ष धरी देश को शासन करथिबा दल केवल 10 वर्ष शासन क्षमता रे न रही पारि बारु देश रे निया लगाइबार कथा कहउचंती। देश रे अशांति रो माहौल को नै ओकिलाती करउचंती। राहुल गांधी को बीजेपी क्षमता को आसिले देश रे निया लागिबा मंतव्य को नै मोदी को कड़ा समालोचना। बीजेपी क्षमता को आसिले देश रे निया लागिजिव। बीजेपी क्षमता को आसिले बदलाई देव संविधान। एपरि हल्ला करथिबा कांग्रेस रो जुबराज को एई देशर लोके उचित उत्तर देबे बोली उत्तराखंड निर्वाचन प्रचार आरंभ रे गर्जिछंती प्रधानमंत्री। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? गणतंत्र ऊपरे कांग्रेस रो विश्वास नहीं। कांग्रेस भारत को अराजकता एवं अस्थिरता आड़ को ठेलीबा को चाहूची। एपरी गणतंत्र विरोधी तत्वों को खोजी खोजी मूलपोच करने को आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री। जो माने गणतंत्र को नष्ट करने को मंतव्य देउछंती सेमानों को लोक माने निश्चिंत दंड देबे। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, दो टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? निकटरे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी शासन क्षमता को आसिले देश रे निया लागिजिव बोली एक निर्वाचनी संबोधन रे कहिथिले। आज उत्तराखंड रे राहुल को एपरी मंतव्य विरोध रे कांग्रेस को राज्य मूलपोच करने को आह्वान देइछंती प्रधानमंत्री। 400 पार मिशन पूर्ण दिगरे प्रधानमंत्री। 19 एप्रिल प्रथम पर्याय आरंभ होबाकु जाउथिबा बेले उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड एवं राजस्थान रे निर्वाचन आरंभ होबाकु जाउछि। उत्तर प्रदेश रो मिरट रे 31 मार्च रे निर्वाचन प्रचार रो शुभारंभ करथिले प्रधानमंत्री। तेबे आज उत्तराखंड रुद्रपुर निर्वाचनी क्षेत्र रे बीजेपी प्रार्थी अजय भट्ट पाई प्रचार करिछंती प्रधानमंत्री। उत्तराखंड रो 5टी निर्वाचन क्षेत्र रे अप्रैल 19 रे मतदान हेबो। ये प्रचार सभा है कि विजय सभा है? ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूछि कि आपन सेति पे विवृत कि तेबे आज ही असंतु आपन चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठबाटना भुवनेश्वर।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।